वेलकम टू माई चैनल। अज असी ठंडई बनावांगे जिहड़ी गर्मियां दे विच जिहड़ी बहुत ज़्यादा ठंडक दिंदी आ। और ये ठंडई जिहड़ी हैगी आ काफ़ी ब्रांड जिहड़े हैगे बनाउंदे आ ठंडई, जो कि आपां गर्मियां दे विच पीने आ। इहदे विच सारियां ठंडियां चीज़ां हुंदियां, पहलां उहनां नूं भिओ के रखदे आ जे घर दे विच असी बनाउंदे आ। हांजी, वैसे कई ब्रांड जिहड़े आ रेडीमेड भी इह ठंडई दा पाउडर जिहड़ा रेडी दिंदे आ, लेकिन जे घर दे विच भिओ के आपां सारा कुछ फिर उन्हों बनाइए तो ये नाल हैल्दी भी हो जाती है, तो सानू पता भी हुंदा है असी कि चीज़ विच ऐड की है। वैसे भी बजुर्ग जिहड़े घर विच ही ठंडई रेडी करके गर्मियों नू पींदे हुंदे सी, ते मैं भी ये छोटे हुंदे देखिया आ। ते अज असी तुहाडे नाल शेयर करदे हां, साडी वीडियो नाल बने रहो, आओ देखिए। हाँ जी, चारों मग्ज लए आ जिहदे विच मैलन, वाटरमैलन, पंपकिन ते कोकंबर दे सीड हैगे आ। ये असी चारों मिक्स कर ले आ, जिनी कि अमाउंट जिहड़ी असी पाउणी आ। चार मैंबर लई असी बना रहे हैं। ये असी थोड़ी जी खसखस लै ली आ, ये बहुत वधिया हुंदी आ। हुण असी आपां इलायची लै ली आ, ये डाइजेस्टिव सिस्टम लई भी वधिया हुंदी, इहदे होर भी बहुत फायदे। आलमंड लै लए असी, बदाम लए आ, चार असी पर परसन लै लए आ। ब्लैक पैपर लै ली आ, ये बहुत ज़्यादा डाइजेस्टिव सिस्टम लई वधिया हुंदी। हुण असी इहनां नूं 6-7 घंटे लई भिगो देवांगे असी पानी विच। सारा कुछ असी इहदे विच मिक्स कर लिया, खसखस भी कर ली आ, देखो। हाँ जी, असी ब्लैक पैपर भी इहदे विच ही पा लाँगे, इलायची भी पा लाँगे विच ही। हुण असी पानी दे विच इहनां नूं भिगो देवांगे, डिप होने चाहिए आ पानी च। 7-8 घंटे लई असी भिगोवांगे इहनां नूं, ता कि ये फुल जाए खसखस भी, तो सारी चीज़ जिहड़ी आ सॉफ्ट भी हो जाए थोड़ी जी। हाँ जी, विच इहदा चम्मच फेर देना ता कि अच्छी तरह ये डिप हो जाण। इस तरह बादाम असी अलग भेजते हैं। हाँ जी, राती असी भिगो के रखिया सी जिहड़ा, तुहानूं पता ही आ। इहदे विच असी छोटी इलायची पाई सी, खसखस पाई, चारों मग्ज ते काली मिर्च पाई सी। ये पूरी रात असी भिगो के रखिया सी, तुसी दुपहर दे समय भी बना सकते हैं। हुण असी इहनूं छाणनी विच छाण लांगे। हाँ जी, असी छाण लिया, इहनूं इस तरह ही छड्ड देवांगे। असी राती बादाम भिओ के रखे सी, उहनां नूं छिल लैंदे आ आपां, इहनूं साइड ते रखांगे। हुण असी बादाम जिहड़े आ उहनूं छिल लांगे। हाँ जी, जिहड़ी ये ठंडई हुंदी है जिहड़ी आपां रेडी करन लगे हां, कोई भी शेक जिहड़ा इहदा मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि ये अपना देसी तरीके नाल घर दे विच बजुर्गां दा एक फार्मूला है जिहड़ा कि असीं अज तुहाडे नाल शेयर करन लगे हां। हाँ जी, असीं ये जिहड़े बादाम है छिल लए आ। पर परसन तुसीं 4 बादाम लैने आ, जदों भी तुसीं ये ट्रेडिशनल ड्रिंक जिहड़ी है रेडी करनी, इहनूं ठंडई भी कह दिंदे आ, पर ये साडी जिहड़ी है ट्रेडिशनल ड्रिंक है इक। ये असी 4 मैंबरां लई बना रहे हैं, तो असी ये 16 बादाम पा रहे हैं। एक परसन लई असी 4 बादाम जिहड़े आ उह लैने आ। कि अमाउंट जिहड़ी आ, एक एक इलायची लै ली आपां, तुसी जिन्नी भी इलायची पाउणी होवे उह पा सकदे आ। मिर्चां मैं घट लई आं क्योंकि गर्मी आ, काली मिर्च मैं 4 लई आं, ते बाकी तुसी अमाउंट घट वध थोड़ी कर सकदे आ। है तां इह अच्छियां चीज़ां, ये एंटीऑक्सीडेंट हुंदे इहदे विच, हेयर और नेल लई भी बहुत अच्छी है, इम्यून सिस्टम लई भी अच्छी आ। हाँ जी, ये साड़ी ट्रेडिशनल ड्रिंक आ, ये सानूं जरूर बना के पीनी चाहिए आ। असी अक्सर ही पीने, मैं सोचा अज तुहाडे नाल शेयर करदे आ आपां, तां कि तुसी भी इहदा लाभ उठा सको। हाँ जी, हुण ये जिहड़े इनग्रीडियंट्स हैगे आ इहनां नूं आपां ग्राइंड करांगे। आपां इहनां दे विच पाणी नहीं ऐड करना, इहदे विच सिर्फ आपां इस तरह ही जिहड़ा मटीरियल हैगा आ उहनूं ग्राइंडर च पा लैणा आ। और सिर्फ 2 चम्मच इहदे विच असी दुध ऐड करना आ, 2 चम्मच दुध ऐड करके फिर असी इहनूं ग्राइंड करांगे। हाँ जी, तुसीं 2 चम्मच इहदे विच पानी भी ऐड कर सकदे आ। मैं 2 चम्मच दुध ऐड कर लिया सी, हुण असी इहनूं अच्छी तरह ग्राइंड करांगे। इहदे विच जिहड़े बादाम है ये भी असी विच ही
ऐड कर लेने हैं। पेस्ट बना लेना है, ये बिल्कुल फाइन पेस्ट जिहड़ा बन के रेडी हो गया है। हुण असीं इहनूं जग विच कढ लांगे और दुध मिक्स करांगे। हाँ जी, इस तरह सारा जग विच शिफ्ट कर लेना असीं। हाँ जी, असीं सारा जग विच मटीरियल शिफ्ट कर लिया है। हुण असीं इहदे विच चीनी पावांगे। मैं चीनी का पाउडर पा रही हूँ। असी चार मैंबर्स लई बना रहे हैं, मैं चार चम्मच ही पाऊंगी। तुसी जिहड़ा चीनी हैगी अपने टेस्ट अकॉर्डिंगली वध घट भी पा सकते हैं। हाँ जी, हुण असी दुध लिया है। हाँ जी, हुण असी इन्ना दुध ले लिया है। हाँ जी, हुण असी इहनूं थोड़ा ब्लेंड करांगे। हाँ जी, असी हुण सारा मटीरियल जिहड़ा उहनूं ब्लेंड करन लगे हैं। हाँ जी, असी ब्लेंड कर चुके हैं। देखो इस तरह ब्लेंड करन तो बाद इस तरह होना चाहिए, उपर झग आनी चाहिए है ता कि सानूं ये पता लग जाता कि ये जिहड़ा अच्छी तरह ब्लेंड हो चुका। हुण असी इहनूं सर्व करांगे। हाँ जी, तुसी भी इस तरह ठंडई गर्मियों च पियो। तुसी इहनूं इस तरह डेकोरेट कर लो किसी भी चीज़ के नाल। असी सौंफ ना कर रहे हैं। तुसी भी ये ड्रिंक बनाओ, कमेंट करके दसो तुहाडी किस तरह की ड्रिंक बनी है। हाँ जी, तुसी इस तरह ट्रेडिशनल ड्रिंक ठंडाई बनाओ, इंजॉय करो, सानू कमेंट विच दसो। थैंक यू।